हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंड्री दितिमन। जोधपुर के राठौड़ शासकों के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर के राठौड़। तो मैंने आपको बताया कि राव जोधा जो थे, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया, जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया, उनके जो बेटे थे राव बीका, तो इनको उत्तराधिकारी ना बनाकर राव जोधा ने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। तो राव बीका नाराज होकर आ जाते हैं जांगल प्रदेश में। 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में ये आ जाते हैं और अब इनको अपनी जो विस्तार करना था अपने क्षेत्र का, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, वहां के जो स्थानीय शासक थे तो उनमें आपस में फूट डालकर और उसका लाभ उठाकर अनेक गांवों को अपने अधीन कर लेते हैं राव बीका। साथ में ये और भी अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं और क्या करते हैं कि पुंगल के जो राव शेखा हैं उनकी पुत्री के साथ करते हैं विवाह, जिससे कि इनकी स्थिति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इनका काम होता है 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर बसाते हैं और यहाँ पर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र इनके द्वारा बसाया गया। पहला जो सत्ता का केंद्र था वो था जोधपुर, जो कि राव जोधा के द्वारा बसाया गया, और दूसरा राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र किसने बसाया, बीकानेर में राव बीका ने बसाया। इसके साथ ही इन्होंने बीकानेर के देशनोक में करणी माता का मंदिर भी बनाया और राठौड़ों की जो कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कही जाती है करणी माता। ये आपको ध्यान में रखना है कि देशनोक में करणी माता का जो मूल मंदिर है वो किसने बनवाया, राव बीका ने बनवाया। राव बीका के पुत्र सॉरी राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर शहर 1488 में बसाया और अखा तीज के दिन बसाया। ठीक है, इनका निवास स्थान जो कि बीका जी की टोकरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शासक हैं राव लूणकरण। राव लूणकरण, इनका समय है 1505 से 1526 ईस्वी। तो ये जो है राव बीका के छोटे बेटे थे और इस लूणकरण ने जो है नागौर के जो मोहम्मद खां थे उनको हराया था और 1526 में यहाँ पर नारनौल के जो नवाब थे अबी मीरा, इनसे युद्ध करते हुए ये लूणकरण मारे जाते हैं। तो इनके जो संबंध में युद्ध का जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है लूणकरण के बारे में कि बीटू सूजा का जो ग्रंथ है राव जैतसीरो छंद, इसमें लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम ग्रंथ में लूणकरण की जो दानशीलता है, दानशील बहुत अधिक थे और इसी दानशीलता की तुलना जो है किससे की गई है, करण से की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लूणकरण जो झील है उसके निर्माता भी कौन है, राव लूणकरण है। बीकानेर के राव लूणकरण के द्वारा जो है लूणकरण झील का निर्माण किया जाता है। अगले शासक देखिए राव जैतसी, 1526 से 1541 ईस्वी तक का इनका समय है और जब हमने जोधपुर के राठौड़ पढ़े थे तो राव जैतसी का नाम जो है वो कई बार मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इनका जो युद्ध होगा पाहेबा का युद्ध वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले 1534 ईस्वी में राती घाटी का युद्ध होता है और ये युद्ध होता है राव जैतसी और हिमायू का भाई है कामरान, जो कि काबुल का शासक था, इसके बीच में होता है और इस युद्ध में कौन विजयी होते हैं, राव जैतसी विजयी रहते हैं। और इसी युद्ध का जो वर्णन है, राती घाटी के युद्ध का वर्णन राव जैतसीरो छंद में किया गया है और ये राव जैतसीरो छंद जो है किसका ग्रंथ है, बीठू सूजा का ग्रंथ है। ठीक है, बीठू सूजा का जो ग्रंथ है राव जैतसीरो छंद, जिसमें राती घाटी के युद्ध का वर्णन है, जिसमें लिखा गया है कि राव जैतसी और हिमायू के भाई जो है कामरान, इनके बीच में युद्ध होता है 1534 ईस्वी में और विजयी जो है वो कौन होते हैं, राव जैतसी होते हैं। नेक्स्ट जो युद्ध है वह है पाहेबा का युद्ध, जिसको पाहोबा का युद्ध भी कहा जाता है, साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है, 1541 ईस्वी में होता है। इस युद्ध की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और ये भी याद रखिएगा कि ये पाहेबा है कहाँ पर, याद रखिए जोधपुर में है। बीकानेर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग बीकानेर याद रखें, पाहेबा कहाँ है, साहेबा, पाहेबा या पाहोबा, ये जोधपुर में है। तो यहाँ पर राव जैतसी है, एक तरफ इनके बेटे दो थे कल्याणमल और भीम, दूसरी तरफ मारवाड़ के राव मालदेव थे, सेनापति जेता और कूपा थे। ठीक है, स्टोरी मैंने आपको दो बार बता दी है। यहाँ पर जो है वो विजयी कौन होता है, राव मालदेव होते हैं अपने सेनापति जेता और कूपा की सहायता से, और यहाँ कल्याणमल जो है और भीम इनके बेटे और राव जो है हारते हैं और राव जैसी जो है वो
मारे जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, पाहेबा का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध। 1541 में पाहेबा का युद्ध हुआ, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। ये शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ और मालदेव जो है इसमें हार जाते हैं क्योंकि जटाओं के ऊपर पर ये जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। शेरशाह सूरी छल से जो है ये जीत जाता है। ठीक है, तो दोनों ही युद्ध के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट शासक हैं देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ राव कल्याणमल के बेटे हैं ये, तो डिंगल का हैरो जिनको कहा जाता है। इनके ग्रंथ है बेली कृष्ण रुक्मणी रीख्यात, जो कि किसमें लिखा हुआ है, डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा गंगा लहरी है, दशम भागवतरा दुहा भी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ किसके बेटे हैं, राव कल्याणमल के बेटे हैं। याद रखिएगा राव कल्याणमल के दो बेटे थे, एक तो राय सिंह और दूसरे पृथ्वीराज राठौड़। तो देखिए राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी इनका समय रहा है। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की और देखिए राव कल्याणमल जो है वो पहले शासक रहे हैं यहाँ पर राठौड़ वंश के, मारवाड़ के, जो कि अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। प्रथम बीकानेर के शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकारी। खानवा का युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। सभी लाइनें रिपीट हैं जब हमने जोधपुर के राठौड़ शासक पढ़ी। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का इन्होंने साथ दिया था। इनके दो पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में मैंने आपको बताया, डिंगल का हैरो जिनको कहा जाता है। अकबर के दरबारी कवि थे और ये अकबर के यहाँ पर ही ज्यादातर रहते थे। बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ भी इन्होंने वहीं पर लिखा था। ठीक है, राय सिंह जो दूसरे बेटे थे इनको उपाधि महाराजा धीराज और महाराजा की प्राप्त थी। बीकानेर में प्रथम शासक जो कि स्वयं महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो लेता है। अब राय सिंह के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं बीकानेर के। समकालीन मुगल शासक हैं अकबर और जहांगीर। तो अकबर और जहांगीर इन दोनों की ही मुगल सेवा में रहे थे। जन्म है 20 जुलाई 1541 ईस्वी। 1570 में देखिए अकबर का नागौर दरबार लगता है, तो जिसमें ये अपने पिता और भाई के साथ उपस्थित होते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। 1572 में देखिए अकबर ने जोधपुर का प्रशासक जो है राय सिंह को नियुक्त किया। मारवाड़ में देखिए राव मालदेव होते हैं, उनके चार बेटे थे, तो बड़े बेटे का नाम था राम और दो बेटे और थे, उदय सिंह थे, और इसके अलावा राव चंद्रसेन जो कि छोटे बेटे थे, तीसरे नंबर पर आते थे राव चंद्रसेन। तो जो राव मालदेव हैं वो क्या करते हैं, बड़े बेटे को उत्तराधिकारी ना बनाकर चंद्रसेन को बना देते हैं। तो वही जो बाकी जो भाई होते हैं वह चंद्रसेन को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उत्तराधिकारी जो है वह राम को बनना चाहिए, वह बड़ा था, तो यहाँ चंद्रसेन को बना दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो इसी वजह से चंद्रसेन और उदय सिंह जो भाई होते हैं इनके आपस में क्या हो जाता है, युद्ध होते हैं। तो 1564 में राम जो होता है बड़ा बेटा वो अकबर की शरण में चला जाता है। तो अकबर क्या करता है, अपने जो एक अधिकारी हैं हुसैन कुली खां उनको भेजता है सेना लेकर। तो यहाँ पर जोधपुर पर अधिकार हो जाता है अकबर का और राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर जो है वह चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जोधपुर जो है वह वहां पर राय सिंह जो है उनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। गुजरात के मिर्जा बंधुओं का विद्रोह होता है, जहां पर इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा, ये मिर्जा बंधु थे जो क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो इनका दमन करने के लिए इन्हें भेजा जाता है काठोली नामक स्थान पर। तो ये पूछा जा सकता है कि 1573 ईस्वी में गुजरात के मिर्जा बंधुओं का विद्रोह करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था, तो यहाँ पर भेजा था उन्होंने बीकानेर के राय सिंह को। 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर गए थे। उसके बाद 1574 में इनके पिता कल्याणमल जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है और राय सिंह बीकानेर के शासक बनते हैं और स्वयं ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। 1576 में देखिए जालौर के ताज खां और सिरोही के सुरतार देवड़ा ये विद्रोह कर देते हैं, जिसके लिए युद्ध होता है 1583 में दत्ताड़ी का युद्ध। यहाँ पर राय सिंह और जगमाल, जगमाल कौन, महाराणा प्रताप का भाई, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है दत्ताड़ी का युद्ध। तो इस युद्ध में देखिए राय सिंह जो हैं वो विजयी होते हैं
और इसी उपलक्ष्य में अकबर जो है इनको 52 परगने जो है वो जागीर में भी देता है। तो दत्ताड़ी का युद्ध पूछा जा सकता है कि अकबर ने दत्ताड़ी के युद्ध के लिए किसे भेजा था? राय सिंह को भेजा था, और जगमाल की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। 1581 में क्या होता है कि अकबर के भाई मिर्जा मोहम्मद मिर्जा हाकिम ने काबुल में विद्रोह कर दिया था। तो देखिए कि जो बाबर था वो फरगना का था, ठीक है, तो वहां पर इसके भाई बंधु भी थे काबुल में। तो यहाँ पर ये जो मिर्जा मोहम्मद और मिर्जा हाकिम, ये इसके भाई ही रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, काबुल में विद्रोह कर दिया, तो जिसका राय सिंह ने मानसिंह के साथ मिलकर दमन किया था। तो यहाँ अकबर ने राय सिंह और मानसिंह दोनों को ही भेजा था 1581 ईस्वी में काबुल में विद्रोह को रोकने के लिए। 1589 से 1594 में राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जूनागढ़ किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? बीकानेर के राय सिंह ने करवाया था, और किसकी देखरेख में करवाया था? करमचंद की देखरेख में करवाया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत। किले के प्रवेश द्वार जो सूरज पोल है, इस पर राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी, यानी कि प्रशंसा, और इसके रचयिता कौन है? जेता या जैता, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। किले के बाहर जैमल और फत्ता की पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियां भी लगवाई थी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में कि जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया? 1589 से 1594 ईस्वी तक। किसने करवाया? बीकानेर के राय सिंह ने। किसकी देखरेख में करवाया? करमचंद की देखरेख में करवाया था। किले के प्रवेश द्वार पर प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन है? राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता, ठीक है। और किले के बाहर किसकी पाषाण मूर्तियां लगवाई थी? तो जैमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सभी। 1606 ईस्वी में क्या होता है कि देखिए राय सिंह जो है वह जहांगीर जो है उनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहे थे। जहांगीर जो है मानसिंह के बजाय राय सिंह को बहुत अच्छा मानते थे और हर बात जो है उनसे शेयर करते थे। तो जहांगीर जो है अपने बेटे खुसरो के विद्रोह का दमन करने के लिए लाहौर जाते हैं। तो क्या करते हैं जहांगीर कि राय सिंह को आगरा सौंप कर जाते हैं। अब देखिए कितना विश्वास था उनको राय सिंह के ऊपर कि आगरा जो है वह जहांगीर जो है किसको सौंप कर जाते हैं? राय सिंह। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब जहांगीर खुसरो का विद्रोह करने के लिए 1606 ईस्वी में लाहौर गया था तो किसे सौंप कर गया था आगरा? तो बीकानेर के राय सिंह को सौंप कर गया था। अकबर ने राय सिंह को देखिए 4,000 मनसबदार प्रदान किया था और जहांगीर ने वहीं राय सिंह को 5,000 मनसब पर रखा था, ठीक है, याद रखना है कि जहांगीर ने राय सिंह को 5,000 और अकबर ने 4,000। 1612 ईस्वी में राय सिंह की दक्षिण भारत में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखिएगा कि मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। वहीं राजा मानसिंह की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपको याद आया होगा, इलिचपुर में मृत्यु हुई थी। राय सिंह ने दो ग्रंथ लिखे थे, एक तो राय सिंह महोत्सव और दूसरा ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है, ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव जो है वह राय सिंह ने जो दो ग्रंथ लिखे थे उनके नाम है, इनको याद रखना है आपको। राय सिंह से तो राय सिंह महोत्सव हो जाएगा, ये याद रहेगा आपको। ज्योति रत्नमाला जो है वह याद रखनी है। इनका जो दरबारी था वह था जयसोम, जिसने ग्रंथ लिखा था कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन, ठीक है, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन, तो ये लिखा था, और इसमें इन्होंने राय सिंह को राजेंद्र पुकारा था। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा कि राय सिंह का जो दरबारी था जयसोम, उसने जो ग्रंथ लिखा था उसका क्या नाम है और किसमें राजेंद्र पुकारा गया है राय सिंह को? तो जवाब होगा कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन में पुकारा गया था। मुंशी देवी प्रसाद जो हैं वह राय सिंह को राजपुताने का करण कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक दान करते थे और पीछे नहीं हटते थे। इसी वजह से दानशीलता के कारण ही मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा? राजपुताने का करण। अब देखिए इसे आप याद कैसे रखेंगे? देखिए राय सिंह में क्या है? रा,
और उसी तरीके से राजपुताने में भी क्या है, रा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रखिएगा कि यहां पर भी रा है और यहां पर भी रा है। तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा मुंशी देवी प्रसाद ने, और लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो यहां पर का है और कर्ण में भी का है, और यहां पर देखिए लूण कर्ण के नाम में भी का आ रहा है, तो ऐसे आप एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। राय सिंह अकबर के दरबार से उस्ता कला को बीकानेर लेकर आए थे, ये भी एक लाइन याद रखिएगा। बीकानेर के राय सिंह के बाद महत्वपूर्ण शासक हैं कर्ण सिंह, राव कर्ण सिंह। शासन का समय इनका रहा है 1631 से 1668 ईस्वी का, और इनके समय के जो समकालीन मुगल सम्राट रहे थे वो थे शाहजहां। तो कई बार शाहजहां जो है इन्होंने इन्हें दक्षिण अभियान में भेजा भी था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था कर्ण सिंह ने, जब शाहजहां इनको कई बार दक्षिण अभियान में भेजते हैं। कर्ण सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बात जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, मतीरे की राड, आपको याद आया होगा हमने डिस्कस किया था मतीरे की राड, और जो कि 1642 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक चलती है। ठीक है, गाँव का नाम क्या था, जाखड़िया गाँव था। तो जाखड़िया गाँव सीमा विवाद था ये, तो जिसमें एक तरफ तो रहते हैं बीकानेर के कर्ण सिंह और दूसरी तरफ जो है वो कौन रहते हैं, नागौर के अमर सिंह। तो बेल जो है वो मतीरे की कहाँ लगती है, वो लगती है बीकानेर में, लेकिन मतीरा आकर कहाँ लगता है, नागौर में लगता है। तो इसी वजह से जो है वो विवाद होता है। दूसरा याद रखना है कर्ण सिंह के बारे में कि जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था तो ये बिल्कुल भी शांत, मतलब कुछ कहे नहीं इन्होंने, बिल्कुल शांत रहे, इन्होंने अपनी ओर से किसी का भी साथ नहीं दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि औरंगजेब जो है उसका पलड़ा भारी है, जब इन्होंने ये देखा कि औरंगजेब का पलड़ा भारी था, तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो बेटे थे पद्म सिंह और केसरी सिंह, तो इनको औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया। तो बहुत ही स्मार्ट थे कर्ण सिंह, ध्यान में रखना है। ठीक है, और औरंगजेब के शासक बनते ही जो है इनकी सेवा में चले गए। इनकी उपाधि थी जय जांगलधर बादशाह, और इनके जो दरबारी कवि थे गंगाधर मैथिल, जिन्होंने कर्ण भूषण ग्रंथ और काव्य डाकनी ग्रंथ लिखे। 1642-44 जो है मतीरे की राड होती है, राड मतलब क्या होता है, लड़ाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि बीकानेर के शासक के दरबारी कवि गंगाधर मैथिल, तो वो कौन से शासक, शासक का नाम पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कर्ण सिंह के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने कर्ण भूषण ग्रंथ और काव्य डाकनी ग्रंथ लिखा। सूरत सिंह 1805 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार करके मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ जिले का नाम ये रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अब जो शासक हैं, एक दो शासक ही बाकी हैं, तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में आ सकती है वो आप पढ़ें, उन्हीं को याद करें। इनकी कहानियां जो है वो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही याद रखें कि 1805 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार करके मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ जिले का नाम रखा इन्होंने, और 1807 ईस्वी में गिंगोली का जो युद्ध होता है उसमें जगत सिंह कछवाहे का साथ दिया। तो ये जो गिंगोली का युद्ध है, जब हम पढ़ेंगे आमेर की कछवाहा शासक, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां आप इतना ध्यान रखें कि 1807 ईस्वी में जो गिंगोली का युद्ध होता है उसमें जगत सिंह कछवाहे का ये साथ देते हैं। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये कर लेते हैं सहायक संधि। इसी समय मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ ने भी संधि की थी। अब जैसे ही, अब देखिए मेवाड़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मारवाड़ हम पढ़ चुके हैं, तो नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए ये भीम सिंह सिसोदिया कौन है। तो आपको याद आया होगा भीम सिंह सिसोदिया वही है जिनकी बेटी का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। ठीक है, बाद में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था, तो याद आया आपको, ये वही है भीम सिंह सिसोदिया। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जिनको उपाधि राजस्थान का भागीरथ की मिली थी, तो नाम से ही आपको याद आ जाएगा कि राजस्थान का भागीरथ जो है किसको कहा गया, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के हैं जो। 1899 ईस्वी में चीन में जो है इन्होंने बॉक्सिंग की थी, और इसके अलावा जो है वो जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 में, 31 में और 32 में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण, जिसका उद्घाटन जो है वो लॉर्ड इरविन ने किया था, तो गंग नहर का निर्माण भी गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, गंग नहर गंगा सिंह, ये याद हो गया। राजस्थान का भागीरथ इसीलिए इनको कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को, कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं।
और इसका उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया था। महाराजा शार्दुल सिंह, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। एक तो ये बीकानेर के अंतिम शासक हैं और दूसरा 7 अगस्त 1947 को ये प्रथम शासक रहे बीकानेर के जिसने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी है। जोधपुर के राठौड़ शासक हमने कंप्लीट किए, उसके बाद जोधपुर के जो एक शाखा आगे चलकर बीकानेर में आकर बसी, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना राव बीकानेर की, ये हमने पढ़ा। अंतिम शासक कौन है बीकानेर के? महाराजा शार्दुल सिंह है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो ये सभी चीजें आपको आराम से याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे। थैंक यू।